दोस्तों, इससे पहले कि आप इस मूवी को स्किप करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित मूवीज लेकर आ रहा हूँ। पता नहीं क्यों आप लोग उन मूवीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी मूवीज क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम सभी अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हैं, सभी को किसी न किसी चीज की टेंशन जरूर है। ऐसे में मिर्च मसाले वाली मूवीज को लाना मुझे पसंद नहीं, क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जो अभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, कुछ आईटी कंपनीज में होंगे, तो कुछ लोग काम की तलाश में होंगे। इसलिए आप लोगों को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देने के लिए मैं उन लोगों की कहानियां लेकर आता हूं, जो आपकी और मेरी तरह ही कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने अपने प्रयास और परिश्रम से अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और आज की मूवी को भी अपना पूरा प्यार देंगे, जो एक सच्ची कहानी पर बनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपके अंदर के इमोशंस को बाहर ले आएगी और आपके दिल और दिमाग में ऐसे घर कर जाएगी कि आप सालों तक इसे भूल नहीं पाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव के एक परिवार को देखते हैं, जहां उस परिवार की सबसे छोटी मेंबर नन्ही सियोल अपने पेरेंट्स के साथ खेल कूद रही होती है। लेकिन तभी अचानक ऊपर आसमान से युद्ध विमान बम बरसाने लगे और देखते ही देखते पूरा गांव शमशान में तब्दील हो गया। साथ ही नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने आकर सभी को बंदी बना लिया। इस बीच सियोल की मां ने उसे एक जगह छिपाते हुए कहा कि बेटा, तुम यहीं रहना और आवाज मत निकालना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। 5 साल की छोटी बच्ची आखिर कितनी समझदार होगी, वो हाँ में हाँ तो मिला देती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपनी माँ को आज आखिरी बार देख रही है। अब काफी देर हो चुकी है, सियोल अभी भी अपनी माँ का इंतजार कर रही है, जबकि नॉर्थ कोरिया के सैनिक सब कुछ खत्म कर चुके हैं और साथ में उसकी माँ को भी। अब सीन कोरिया से शिफ्ट होता है और कहानी जाती है टर्की देश में। यहाँ हम सुलेमान नाम के एक टर्की सैनिक को देखते हैं, जो नोरा नाम की एक लड़की से प्यार करता है। असल में नोरा भी सुलेमान से प्यार करती है, लेकिन तभी उसकी सहेली उसे बताती है कि साउथ कोरिया की सरकार ने टर्की से मदद मांगी है, इसलिए कई टर्की सैनिकों को साउथ कोरिया भेजने की बात चल रही है। नोरा ये सोचकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सुलेमान दूसरे देश में जंग लड़ने के लिए जाए। लेकिन उसकी परेशानी हकीकत बन जाती है जब आर्मी की तरफ से सुलेमान को बताया जाता है कि उसे साउथ कोरिया में जल्दी से जल्दी अपनी बटालियन के साथ पहुंचना होगा। अब जाने से पहले सुलेमान और नोरा एक दूसरे से मिलते हैं, जहां नोरा उसे जाने से मना करती है, लेकिन सुलेमान उसे समझाता है कि कोरियाई सरकार को मदद की जरूरत है, उन्होंने टर्की से मदद मांगी है और सरकार ने मुझे चुना है, इसलिए अगर मैं नहीं गया तो लोग तुमसे ही बोलेंगे कि तुम्हारा होने वाला पति कायर है, क्या तुम्हें ये सुनना अच्छा लगेगा। नोरा समझ जाती है कि देश के लिए सुलेमान का जाना जरूरी है, इसलिए भारी मन से दोनों एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। अब सुलेमान अपने साथ अली और बाकी सैनिकों के साथ शिप के जरिए कोरिया की तरफ निकल पड़ता है। उसके निकलने के बाद उसके पेरेंट्स को एक खत मिलता है, जो सुलेमान ने ही लिखा था। वो उसमें अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद मांगता है, ताकि वो उनका नाम रोशन कर सके। उसके पेरेंट्स ये खत पढ़कर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ एक खत वो नोरा को भी लिखता है, जिसमें वो पहली बार शादी की बात करते हुए कहता है कि मैं जैसे ही वापस आऊंगा तो हम दोनों शादी करेंगे। अब सुलेमान और उसके साथियों के साथ साथ ऑफिशियल्स भी जल्दी ही उस शिप पर पहुंच जाते हैं। फिर एक दिन ऑफिशियल्स देखते हैं कि सुलेमान शिप पर ही छोटी चींटियों को खाना खिला रहा है, जबकि शिप पर अगर चींटियां दिख जाए तो उसे मार देना चाहिए, ताकि खाने की चीजें खराब ना हो। पर सुलेमान ऐसा नहीं है, उसकी नजर में चींटियों ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। दूसरे ऑफिशियल्स और नए साथी जब ये देखते हैं तो सोचते हैं कि जो आदमी इतनी दया से भरा हो, वो आखिर युद्ध में कैसे दुश्मनों का सामना कर पाएगा। खैर, वक्त बीतता है और कुछ ही दिन में वो शिप कोरिया के तट पर आ जाता है। वहाँ सभी टर्की सैनिकों का स्वागत कोरियाई लोग अच्छे से करते हैं। इसके बाद सुलेमान और अली की टुकड़ी बेस कैंप के लिए निकलती है, तो सामने का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ साउथ कोरियन लोगों की लाशें ही लाशें होती हैं। परिवार के परिवार, गांव के गांव सिरे से खत्म किए जा चुके हैं। लोग अपनों के लिए रो रहे हैं और बस यही दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये युद्ध खत्म हो जाए। खैर, अब सुलेमान की टुकड़ी जब कैंप पर पहुंचती है तो एक साथी कहता है कि ये युद्ध बस खत्म होने को है, जल्दी ही हालात सामान्य हो जाएंगे और हम अपने देश वापस चले जाएंगे। उसका ये कहना ही था कि तभी कुछ नॉर्थ कोरियन जहाज ऊपर से बमबारी कर देते हैं, जिसमें कई टर्की सैनिकों की जान चली जाती है। ये दृश्य देखकर सभी सैनिकों की रूह कांप जाती है।
वो इस युद्ध को जितना कम आंक रहे थे ये उतना ही खतरनाक है। सभी समझ जाते हैं कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होने नहीं वाला। अब एक दिन सुलेमान और उसके साथी रात के अंधेरे में शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन पर उत्तर कोरियाई सैनिक हमला कर देते हैं। उनसे बचकर जैसे तैसे अब वो सब जंगल की तरफ भागने लगते हैं। अब वहाँ से वो बच तो जाते हैं, लेकिन तभी सुलेमान को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि एक बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठी बैठी रो रही है। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि सियोल होती है, जो अपनी मरी हुई माँ को ढूंढ तो लेती है, लेकिन उसे लगता है कि जैसे माँ अभी सो रही है और जल्दी ही उठ जाएगी। पता नहीं कितने घंटों से सियोल अपनी माँ का हाथ पकड़े उम्मीद में बैठी हुई है। तभी सुलेमान अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। पहले तो सियोल को डर लगता है, लेकिन जल्दी ही सुलेमान के हाव भाव से वो उसके पास आ जाती है और सीधा उसके गले से लग जाती है। अब सभी साथी उसे बेस कैंप में ले आते हैं, जहां एक साथी उससे पूछता है कि क्या ये नॉर्थ कोरियन है या साउथ कोरियन। तभी सुलेमान कहता है कि क्या पूछ रहे हो तुम, फिलहाल तो ये सिर्फ एक मासूम बच्ची है जिसने अभी अभी शायद अपने पूरे परिवार को खोया है और इसकी हिफाजत करना हमारा धर्म है। बातों ही बातों में अब सुलेमान उसका नाम आयला रख देता है, जिसका टर्किश भाषा में मतलब होता है चांद का एक टुकड़ा। सियोल वैसे ही एक चांद के टुकड़े जैसी दिखती थी। अब सुलेमान अपने बड़े अधिकारियों के साथ उत्तर कोरिया के साथ चल रहे युद्ध के बारे में बात कर रहा होता है। सभी मिलकर युद्ध की रणनीति बना रहे होते हैं, जहां सभी को पता चलता है कि साउथ कोरिया की मदद के लिए टर्की और अमेरिका उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि चीन नॉर्थ कोरिया का साथ दे रहा है। ऐसे बदहवास हालातों में सुलेमान आयला को अपने पास से एक पल के लिए भी दूर नहीं करता और हर वक्त उसे अपने पास ही रखता है। वो जहाँ भी जाता है, जिस काम के लिए भी जाता है, आयला को अपने साथ लेकर जाता था। और वो ही नहीं बल्कि आयला भी उसके बिना नहीं रह पाती थी। इतने लोगों की भीड़ में बस एक सुलेमान ही तो था जो उसको अपना लगता था, जिसके पास वो खुद को महफूज महसूस करती थी। अब एक दिन सुलेमान की टुकड़ी दूसरे कैंप की तरफ जा रही होती है कि तभी रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब गाड़ी सही होती इतने में चीनी सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। उनके हमले में सभी सैनिक इधर उधर हो जाते हैं और आयला सुलेमान के साथ रहती है। अब सुलेमान को एहसास होता है कि अगर चीनी सैनिक जल्दी वहाँ से नहीं गए तो और चीनी सैनिक आ जाएंगे और फिर वहाँ से उनका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। पर इससे भी ज्यादा उसे फिक्र थी आयला की, जो इस वक्त बहुत डरी हुई थी। उसकी तरफ देखते हुए वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और चीनी सैनिकों को अपने जाल में फंसाकर बम से उड़ा देता है। उसकी ये कलाकारी देखकर वो सभी टर्की सैनिक हैरान हो जाते हैं, जो एक दिन चीटी वाली बात के लिए उस पर हंस रहे थे। खैर, इतनी देर में सुलेमान के कैंप की बाकी गाड़ियां भी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती हैं। और इस बीच एक चीनी सैनिक बस सुलेमान को जान से मारने ही वाला था कि इतने में सुलेमान का साथी आकर उसे बचा लेता है। लेकिन इतने में सुलेमान काफी घायल हो जाता है और उसे बेस कैंप में ले जाया जाता है। अब उसे शहर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहां वो बच तो जाता है लेकिन उसे बहुत चोटें आती हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे कोरिया से लेकर दुनिया भर में पहुंच जाती है और टर्की में सुलेमान के परिवार को भी पता चल जाता है कि चीनी सैनिक भी उत्तर कोरिया का साथ दे रहे हैं। और हाल ही में कुछ चीनी सैनिकों ने टर्की सैनिकों पर हमला करके उन्हें मार भी दिया है। ये खबर सभी टर्किश सैनिकों के परिवार के साथ साथ सुलेमान के परिवार को भी परेशान कर देती है। और उधर नोरा भी ये सोचकर परेशान होती है कि पता नहीं कब ये युद्ध खत्म होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन पर, जहां हम देखते हैं कि आयला सुलेमान का हाथ पकड़े उसके बिस्तर के पास आंख बंद करके बैठी हुई है। तभी सुलेमान के साथी वहां पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि कल रात से आयला एक पल भी सोई नहीं है और ना ही तुम्हें छोड़कर कहीं गई। हमने उससे बहुत कहा सोने के लिए, लेकिन वो नहीं सोई। वो बस तब से तुम्हारे जागने का इंतजार ही कर रही है। ये सुनकर अब सुलेमान बहुत इमोशनल हो जाता है और आयला की तरफ देखकर मुस्करा जाता है। अब धीरे धीरे दोनों की कहानी कोरियाई बेस कैंप में पहुंच जाती है, जहां एक बड़ा सैन्य अधिकारी कहता है कि टर्की ने पहले ही हमारी बहुत मदद की है और अब उसके सोल्जर्स हमारे देश के बच्चों की देखरेख कर रहे हैं, इसलिए अब उन्हें और परेशान ना किया जाए और उस बच्ची की कस्टडी ले ली जाए। फिर क्या था, टर्की अधिकारी ने सुलेमान को बुलाकर ये बात बताई कि कोरियाई सरकार अब आयला की जिम्मेदारी खुद लेना चाहती है, इसलिए उसके लोग आयला को लेने आ रहे हैं, लेकिन सुलेमान ऐसा नहीं चाहता। इसी बीच अधिकारी उससे कहता है कि अगले हफ्ते कोरियाई सरकार सभी अमेरिकी और टर्किश सैनिकों को वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित करना चाहती है। याद रहे कि ये बच्ची उस वक्त वहाँ किसी को भी ना दिखे। अब वो दिन आ जाता है जब सभी सैनिकों को सम्मान दिया जाना था। सुलेमान जैसे तैसे आयला को गाड़ी में छुपाकर आ जाता है और उससे कहता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक कहीं मत जाना,
लेकिन जब सम्मान के लिए सुलेमान का नाम पुकारा जाता है तो आयला उस आवाज को सुन लेती है और एकदम से उठकर उस रो की तरफ चली जाती है जहां सभी सैनिक खड़े होते हैं। अब सुलेमान उसे देख लेता है और फौरन वापस जाने का इशारा करता है, लेकिन मासूम आयला बस उसे देखकर मुस्कुराती रहती है। इसी बीच कोरियाई अधिकारी उन दोनों के इस रिश्ते को देखकर समझ जाता है कि आयला का मन भी अभी सुलेमान से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो सुलेमान से कहता है कि जब तक आयला की फैमिली या कोई रिश्तेदार ना मिल जाए तब तक वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। ये सुनकर अब सुलेमान के साथ साथ पूरे कैंप में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि नन्ही सी आयला अब उन सभी की प्यारी बन चुकी थी। इस प्यार की खबर अब देश और दुनिया के साथ साथ टर्किश अखबारों में भी छपती है, जहां बताया जाता है कि एक टर्किश सैनिक ने एक बच्ची को बचाया और अब वो बच्ची की देखरेख भी कर रहा है। ये खबर सुनकर सुलेमान की फैमिली को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता है और उधर नारो को भी ये जानकर तसल्ली मिलती है कि सुलेमान सही सलामत है। लेकिन साथ ही उसके मन में ये भी डर होता है कि कहीं उस बच्ची के लिए सुलेमान का प्यार सभी के लिए भारी ना पड़ जाए। खैर, अब देखते ही देखते मौसम का रुख बदल जाता है और कैंप में सर्दी की लहर दौड़ पड़ती है। अब सभी सैनिकों को आयला की आदत पड़ चुकी है। उसे देखकर सभी अपने अपने बच्चों की याद में खो जाते हैं और बाकी सभी उसकी मुस्कुराहट में इस जंग की निशानियों को भुला देते हैं। अब वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे बड़ी होती आयला सुलेमान को ही अपना पिता समझने लगती है और कहीं ना कहीं ये बात सुलेमान भी समझने लगता है। कुछ दिनों बाद पास में ही एक मेला लगा होता है जहां सुलेमान और उसके दोस्त आयला को घुमाने लेकर जाते हैं। वहां सुलेमान ने उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे, सभी ने मिलकर बहुत मौज मस्ती की और कुछ तस्वीरें भी ली। अब वापस लौटकर जब थकी हुई आयला सो रही होती है और सुलेमान के साथ साथ सभी साथी भी यही सोच रहे होते हैं कि जब हम सभी वापस जाएंगे तो आयला का क्या होगा, आखिर कौन उसको पनाह देगा और कैसे हम इसको छोड़कर जा पाएंगे। अब कुछ दिनों बाद एक सुबह सुलेमान के दोस्त ने उसे बताया कि गांव में कुछ लोग आए हुए हैं जो आयला के रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं। सुलेमान ये सुनकर एकदम से चुप हो जाता है और ये बात किसी और को बताने से मना कर देता है। अब उसी रात वो गांव में उस फैमिली से मिलने जाता है जो खुद को आयला का रिश्तेदार बता रही थी, लेकिन ये असल में दुश्मन की एक चाल होती है। उन्हें पता था कि अगर ये खबर फैल गई तो सुलेमान जरूर वहां आएगा। इस तरह वो सभी एक साथ सुलेमान पर हमला कर देते हैं और उसको मारने ही वाले होते हैं कि इतने में उसका दोस्त अली वहां आकर उसे बचा लेता है और उसके बाद जैसे तैसे वहां से निकलकर भाग आते हैं। अली कहता है कि आगे से अगर ऐसा कुछ पता चले तो खुद हीरो मत बनना, किसी को जरूर बता देना। अब कुछ दिन बाद अली को पता चलता है कि उसकी पसंदीदा परफॉर्मर मार्लिन मुनरो कोरिया में कॉन्सर्ट करने आई है, लेकिन अली को ये जानकर बहुत दुख होता है कि वो उस दिन कॉन्सर्ट में नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिल सकती। तभी ये बात सुलेमान को पता चलती है और वो अली से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग वहाँ चले जाएंगे और तुम्हारे लिए मुनरो का ऑटोग्राफ भी ले आएंगे। फिर सुलेमान ऐसा ही करता है और अपने कंधों पर नन्ही आयला को बिठाकर उस कॉन्सर्ट में हिस्सा लेता है। और फिर इसी बीच मुनरो की नज़र अचानक आयला पर पड़ती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि सोल्जर्स के बीच में वो लड़की आखिर वहाँ क्या कर रही है। तभी उसे वो अखबार की खबर याद आती है और वो उसको पहचान लेती है। इसके बाद वो उसे अपने पास बुलाती है और उसे अपना ऑटोग्राफ दे देती है, जिसे लेकर आयला और सुलेमान वापस कैंप में पहुंचते हैं और उसे अली को दे देते हैं। अली ये देखकर बहुत ही खुश होता है और तभी दुश्मन की एक गोली उसके सर के आर पार हो जाती है और वो अपना दम तोड़ देता है। अब सुलेमान अपने बचपन के दोस्त की कब्र पर बैठकर बहुत दुखी होता है। वो जानता है कि अब वो अपने दोस्त को वापस अपने देश नहीं ले जा पाएगा। इन्हीं पलों के बीच उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और ये देखकर बेचारी आयला भी अपने बाबा को पकड़कर रोने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे एक परिवार के लोग अपना सुख दुख आपस में बांटते हैं। कुछ दिनों बाद फाइनली युद्ध के खत्म होने की खबर सभी को पता चलती है। टर्की सेना को आए हुए पूरा एक साल हो चुका है और अब एक एक करके सभी बटालियन अपने देश लौटने लगती हैं। सभी सोल्जर्स एक एक करके आयला से विदा लेते हैं और उसको देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाते। लेकिन अब सुलेमान की बारी है, पर वो यहाँ से नहीं जाना चाहता। असल में उसे आयला के फ्यूचर की चिंता होती है कि आखिर उसका ख्याल कौन रखेगा। इसलिए वो कुछ महीने और वहाँ आयला के साथ रुकने का फैसला लेता है ताकि अब कोई रिश्तेदार उसको ढूंढते हुए वहाँ आ जाए तो वो आयला को उसके हवाले कर सके। लेकिन दूसरी तरफ सुलेमान के वापस ना आने से उसके परिवार के लोग बहुत दुखी होते हैं। वो जानते हैं कि उनका बेटा एक नेक काम के लिए रुका है, लेकिन वो भी तो माँ बाप हैं, उन्हें भी तो अपने बेटे की फिक्र है। अब एक दिन रेडियो पर नोरा की फरमाइश में सुलेमान को एक गीत सुनाया गया। इस गीत को कोरिया में बैठे सुलेमान ने भी सुना, जिसे सुनकर वो बहुत इमोशनल हो गया क्योंकि उसे पता था कि नोरा भी उसका इंतजार कर रही है।
लेकिन आखिर आयला को छोड़कर वो कैसे जा सकता है। उसने खुद से वादा किया है कि वो तब तक उसके साथ रहेगा जब तक उसे आयला का कोई रिश्तेदार नहीं मिल जाता। गाने के अंत में सुलेमान आयला से कहता है कि अगर मैं यहाँ से गया तो तुमको साथ ही लेकर जाऊंगा। उधर टर्की में सुलेमान से छुपकर प्यार करने वाली उसकी सहेली लिली जब नोरा के गीत को सुनती है तो वो समझ जाती है कि नोरा और सुलेमान एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये जानकर लिली का दिल टूट जाता है। अब सुलेमान ने कोई रास्ता ना होने पर अपने दिल की बात कमांडर को बताई कि वो आयला को अपने साथ टर्की लेकर जाना चाहता है, जिस पर कमांडर ने कहा कि ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम यहाँ युद्ध के लिए आए थे ना कि बच्चों को पालने के लिए। सेना के अपने कुछ कायदे कानून होते हैं, इसलिए तुम्हें भी उन्हीं दायरे में रहकर काम करना चाहिए। अब कुछ दिनों बाद यहाँ एक कोरियन टीचर आती है जो आयला को अपने साथ ले जाना चाहती है। वो कहती है कि हमने कैंप की व्यवस्था की है जहाँ कई अनाथ और युद्ध पीड़ित बच्चे एक साथ रह रहे हैं, और हम उनके साथ साथ उनकी एजुकेशन का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये सुनकर सुलेमान कहता है कि आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन अभी आयला इस सब के लिए तैयार नहीं है। वो नए लोगों से मिल नहीं पाती, इसलिए उसे थोड़ा वक्त दीजिए। अब अकेले में सुलेमान को भी लगता है कि आयला का उस कैंप में जाना ही ठीक होगा, क्योंकि वहाँ एजुकेशन भी है और बाकी सब चीजें भी। लेकिन एक ही चीज उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और वो है आयला के लिए उसका प्यार और आयला का उस पर भरोसा। खैर, अब भारी मन से सुलेमान आयला को धीरे धीरे सबसे घुलना मिलना शुरू करवाता है, और फिर एक दिन वो उस टीचर के साथ आयला को लेकर उस कैंप पर आ जाता है। वहाँ सभी बच्चे एक साथ मिलकर एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जिसे देखकर आयला को भी अच्छा लगता है। अब सुलेमान उसे उन बच्चों के बीच छोड़कर बाहर विंडो से उसे देखता रहता है। आयला भी उसे बीच बीच में देखकर मुस्कुराती रहती है। यही वो पल है जब सुलेमान को अपने इमोशंस पर काबू रखना है, इसलिए वो अपने दिल पर पत्थर रखकर फौरन वहाँ से निकल जाता है। लेकिन नन्ही आयला जैसे ही देखती है कि उसके बाबा नहीं है, वो फौरन भागती हुई बाहर आती है और अपने बाबा को आवाज देने लगती है। सुलेमान के कदम एकदम से उसकी आवाज सुनकर रुक जाते हैं। वो पीछे देखता है तो आयला बहुत तेजी से रोते हुए उसके पास भागती हुई आती है और कहती है कि बाबा, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों आ गए? मैं डर गई थी, मुझे आप कभी अकेले मत छोड़ना। ये सुनकर अब सुलेमान अपने दिल को नहीं समझा पाता और आयला को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब बहुत दिमाग लगाने पर उसने आयला को अपने साथ ले जाने की एक तरकीब निकाली। वो लकड़ी का एक बॉक्स बनाता है जिसमें वो आयला को इस तरह फिट कर देता है कि वो उसे लेकर शिप तक जा सके, और एक बार शिप चल गया तो फिर आयला को वापस कोई नहीं ला सकता, वो उसके साथ टर्की ही जाएगी। वो ठीक ऐसा ही करता है और उस दिन धीरे धीरे शिप के पास पहुंचता है। लेकिन तभी एक अधिकारी को उस बॉक्स पर शक हो जाता है और वो उस बॉक्स को खुलवा लेता है। बॉक्स खुलते ही सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर मासूम आयला चुपचाप लेटी होती है जैसा कि उसके बाबा ने करने को बोला था। इस हादसे के बाद सुलेमान को उसके कमांडर ने बुलाया। हालांकि उसे सजा तो नहीं दी गई, लेकिन उसे फौरन टर्की जाने का आदेश दिया गया। अब ये बात सुलेमान को उसके सीनियर्स ने भी समझाई कि तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है, लेकिन सुलेमान कहता है कि मैं अपने बचपन के दोस्त अली को तो यहाँ खो चुका हूँ, पर अब आयला को नहीं खोना चाहता। ये सुनकर सीनियर भी चुप हो जाता है, लेकिन साथ ही वो उसको एक सलाह भी देता है। वो कहता है कि अभी तुम कुछ भी कर लो, ये लोग आयला को यहाँ से नहीं जाने देंगे, इसलिए एक काम करो, तुम अभी टर्की चले जाओ और फिर 2 से 3 साल बाद वापस आ जाना और आयला को लीगली अडॉप्ट कर लेना। सुलेमान एक पल के लिए इस बारे में सोचता है और कोई रास्ता ना होने पर वो यही करने का फैसला लेता है। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब उसे आयला को छोड़कर टर्की के लिए निकलना होगा। आयला को अंदाजा है कि उसके बाबा कहीं काम से जा रहे हैं, लेकिन उसे डर है कि वो कहीं उसे छोड़कर ना चले जाएं। सुलेमान नन्ही आयला से कहता है कि बेटा, तुम्हारा बाबा होने के नाते मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जल्दी ही तुमको वापस लेने आऊँगा और फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। बेचारी आयला के लिए ये बातें मायने नहीं रखती, उसे तो बस इतना समझ आ रहा है कि उसके बाबा उसे छोड़कर जा रहे हैं। अब ना जाने कितने पहाड़ों का वजन अपने दिल पर रखकर और आंखों में आंसू लिए सुलेमान जहाज की तरफ चल देता है, और पीछे खड़ी आयला अपने पिता को जोर जोर से आवाज देकर रोने लगती है। बाबा, बाबा, बाबा मत जाओ, माँ तो चली गई, अब आप भी जा रहे हो। लेकिन सुलेमान तक उसकी आवाज नहीं जाती। सुलेमान भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने आयला की आंखों में एक बार भी देख लिया तो शायद वो कभी उसको छोड़कर नहीं जा पाएगा। दोस्तों, ये सोचना भी कितना मुश्किल है कि ये चीज असल में दो लोगों के बीच घटी है। मैं सोच रहा हूँ कि जब सच में ऐसा हुआ होगा तो दोनों के दिल पर क्या बीत रही होगी।
खैर अब सुलेमान टर्की पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि नोरा ने किसी और से शादी कर ली है। वो उससे मिलकर आमना सामना करता है तो नोरा कहती है कि मैंने तुम्हारा युद्ध खत्म होने तक इंतजार किया लेकिन फिर तुमने न आने का फैसला लिया तो मुझे लगा कि तुम अब उस लड़की की वजह से वापस नहीं आओगे इसलिए मैंने शादी कर ली। ये सुनकर सुलेमान का दिल टूट गया क्योंकि उसे एक पल के लिए लगा कि क्या वो ये सब देखने के लिए आयला को छोड़कर यहाँ आया था। खैर अब वो वहाँ से निकलकर अपने पेरेंट्स से मिलने चला जाता है लेकिन उससे पहले वो अपनी दोस्त लिली से मिलता है जहाँ उसे पता चलता है कि लिली ने उसके इंतजार में अभी तक शादी नहीं की। वो समझ जाता है कि लिली ही उसकी असली जीवन साथी है जिसके बाद वो उससे शादी कर लेता है। अब वक्त बीतता है पर आज भी लिली देखती है कि सुलेमान के अंदर अभी भी आयला को लेकर बेचैनी और फिक्र है। वो उसके दुख को अच्छी तरह से समझती है क्योंकि वो उसकी सच्ची दोस्त भी है। इसके बाद लिली आयला को ढूंढने में उसकी मदद करने का फैसला करती है। अब कई सालों तक लगातार कोरियाई एम्बेसी के चक्कर लगाने के बाद एक दिन वहाँ से उसको बुलावा आता है जहाँ अधिकारी उससे कहता है कि आयला को ढूंढने की कोशिश आपको छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उस बच्ची का असली नाम तो आयला कभी था ही नहीं। वो नाम तो सुलेमान ने ऐसे ही रख दिया था। अब वो नाम भी बदल चुका होगा इसलिए जिस बच्ची का नाम ही हमें मालूम नहीं हम उसको इतने बड़े देश में कैसे ढूंढ पाएंगे। ये बात सुलेमान को अंदर तक तोड़कर रख देती है क्योंकि उससे उसकी उम्मीद भी टूटने लगती है कि वो कभी आयला से वापस मिल पाएगा। अब लिली उससे कहती है कि दिल छोटा मत करो हम तुम्हारी आयला को एक दिन ढूंढ ही लेंगे। अब वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूमता है और देखते ही देखते न जाने कब 47 साल गुजर जाते हैं। सुलेमान और लिली अब बूढ़े हो चुके हैं। फिर एक दिन उनके शहर में भूकंप आता है तो तब भी सुलेमान घर से निकलने की जगह आयला की तस्वीर ढूंढने लगता है क्योंकि अगर वो खो गई तो वो अपनी आयला को कैसे ढूंढ पाएगा। अब वक्त और 5 साल आगे बढ़ जाता है जब सन 2002 में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा होता है। पूरी दुनिया उस मैच को देख रही होती है लेकिन सुलेमान खेल देखने की जगह वहाँ आए कोरिया के दर्शकों में आयला को ढूंढ रहा होता है जिसे देखकर उसकी खुद की बेटी को बुरा लग रहा होता है कि उसके बाबा आज भी उस लड़की की तलाश में हैं। लेकिन ये सुलेमान के बस में नहीं है। आज भी जब वो आंखें बंद करता है तो उसके पास वो 5 साल की मासूम आयला चली आती है और उसे बाबा कहकर बुलाती है। सुलेमान को ये सोचकर बहुत दुख होता है कि वो अपनी बेटी से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया वो उसको अपने साथ नहीं ला पाया पता नहीं आज वो कहाँ होगी। फिर आखिरकार एक दिन किस्मत सुलेमान की दुआओं का जवाब दे ही देती है। उसे एक रिपोर्टर का फोन आता है कि वो आयला और सुलेमान के जीवन पर एक फिल्म बनाना चाहती है और वो साथ में आयला को ढूंढने में भी मदद करेगी। सुलेमान उसे आयला से जुड़ी एक एक घटना बताता है। रिपोर्टर कहती है मुझे आयला के कुछ दोस्तों की जानकारी तो मिली है मगर आयला की नहीं जिससे सुलेमान एक बार फिर से मायूस हो जाता है। पर कुछ दिनों बाद रिपोर्टर को एक फोन आता है जिस पर कोई औरत खुद को आयला बता रही होती है। अब बिना किसी को बताए पहले वो रिपोर्टर खुद आयला से मिलने पहुंच जाती है और उसे सुलेमान और उसके बचपन की कुछ तस्वीरें दिखाती है। तस्वीरें देखते ही वो औरत रो रो कर कहने लगती है कि बाबा कहाँ है मुझे मेरे बाबा से मिलवा दो। और यहीं हम समझ जाते हैं कि वो असल में 5 साल की सुलेमान की आयला है। और दोस्तों इसके बाद हम कहानी या कहें सच्चाई के सबसे इमोशनल हिस्से में आ जाते हैं। 60 साल बाद सन 2010 में सुलेमान एक बार फिर दक्षिण कोरिया का सफर तय करता है। पार्क में बैठे बैठे वो यही सोच रहा होता है कि उसकी 5 साल की आयला अब कितनी बड़ी हो गई होगी और कैसी लगती होगी। क्या वो उसको पहचान पाएगी क्या उसे वो सब कुछ याद होगा। तभी दूर से उसे एक औरत आती हुई दिखाई देती है। उसे देखते ही सुलेमान कहता है कि यही तो मेरी आयला है। दूर से आ रही आयला भी अपने बाबा को पहचान लेती है। दोनों जल्दी जल्दी अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं और तभी हमें वो सीन याद आता है जब पहली बार आयला ने अपने बाबा को गले से लगाया था और ठीक ऐसे ही वो बिना कुछ बोले सीधे अपने बाबा को गले से लगाकर रो पड़ती है। फूट फूट कर रोते हुए वो कहती है कि बाबा आप पहले क्यों नहीं आए बाबा आप पहले क्यों नहीं आए मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। दोनों बाप बेटी एक दूसरे से लिपट कर बहुत देर तक रोते हैं। आखिरकार एक पिता ने 60 साल पहले अपनी बेटी से किया हुआ वादा आज पूरा कर लिया वो उसे लेने आखिरकार आ ही गया। और दोस्तों यही हमें वो असली वीडियो दिखाया जाता है जब सुलेमान सच में इतने सालों बाद अपनी बेटी आयला से मिलने आता है और दोनों फूट फूट कर रो पड़ते हैं और लिपट कर रोते ही रहते हैं
किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि रिश्ते खून के नहीं दिल के होते हैं, और ये सच्ची दास्तां इस बात का जीता जागता सबूत है। दोस्तों मैं आज आपसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, मैं बस आपको इन असली तस्वीरों के साथ छोड़ जाऊंगा जो असल में सुलेमान और उसकी 5 साल की आयला की हैं। इनको देखकर आपके मन में जो भी भाव आए वो आप कमेंट में जरूर लिख देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।